हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे पास फिर से एक बार टाटा की टिगोर गाड़ी है, ये सीएनजी। ये देखिए यहाँ पे सीएनजी। तो मैं एक छोटा सा एक प्रॉब्लम मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग अगर बाहर की तरफ काम करते हैं या फिर क्योंकि बहुत से बार आपको समझ में नहीं आएगा, गैरेज में हो कहीं आउटसाइड कोई सर्विस सेंटर में तुम काम कर रहे हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये गाड़ी आई थी हमारे पास सर्विसिंग के लिए, और सर्विसिंग से आने के बाद आने से पहला इनका इसका चेक इंजन नहीं था ये गाड़ी का, और सर्विसिंग हो गया। सर्विसिंग होने के बाद चेक इंजन लगने लगा, तो उसके लिए चेक किया कि टेक्नीशियन ने चेक किया तो चेक इंजन आ रहा है, तो और चेक इंजन कंफर्म में आ रहा था। अभी तो नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा आता है वो, तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। उसको छोटा सा रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। गाड़ी चालू करके हम लोग देखेंगे क्योंकि क्या हो रहा है। अभी मैं चालू करता हूँ गाड़ी, ये देखिए अभी तो उस पूरा लाइट चला गया, लेकिन लाइट जाने के बाद मैं आपको एक दिखाता हूँ प्रॉब्लम वो क्या है। फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको एरर दिखा देता हूँ। यहाँ पे टेम्पररी और मेमोराइज आ रहा है, सिग्नल एरर फॉर सीएनजी एलआईडी और पब्लिश एरर फॉर सीएनजी एलआईडी। ये एरर ईएमएस में आ रहे, ये कंफर्म आ रहे थे इतना देर, और इसके बाद ये मेमोराइज में चले गए। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी देखिए कोई चेक इंजन नहीं है, लेकिन हमारा गाड़ी चालू है। क्योंकि क्या हो गया, ये गाड़ी का सर्विसिंग हो रहा था, तो उन्होंने ऑयलिंग ग्रीसिंग डोर के लिए इसके लिए करने के लिए इन्होंने क्या खोला मालूम है, डिक्की का फ्यूल का जो प्लैप हम लोग खोलते हैं ना, उसने गाड़ी चालू में खोल, ये देखिए ये वाला उन्होंने, अगर आप लोग इसको खोलना है तो गाड़ी चाबी बंद मांगता है, उसके बाद ही आप खोल सकते। आप अगर इसको चालू में खोलेंगे तो ये देखिए अभी मैंने खोल दिया, और यहाँ पर आ गया चेक इंजन लाइट। ये देखिए इससे पहले चेक इंजन नहीं था, अभी जैसा मैंने ये खोल दिया ये चेक इंजन आ गया। अभी प्लैप भी दिखा तो आपको ये खुला है, ये देखिए इसका प्लैप खुल गया है। ये प्लैप अगर हम लोग अभी देखिए, इन्होंने ऑयलिंग किया था इधर इसको, तो अभी इधर एक स्विच बटाया है जो कि सीएनजी पे काम करता है। अभी देखिए मैंने ये लगा दिया, ये लगाने के बाद भी क्या होगा, हमारा सीएनजी का लाइट नहीं जाएगा, पहले तो गाड़ी बंद हो जाएगा। देखिए हमारा गाड़ी बंद हो गया, अभी सीएनजी का लाइट भी आ गया। अभी देखिए मैं वापस स्टार्ट करता हूँ, ये गाड़ी चालू हो गया हमारा, और क्या हो रहा है, लाइट जा रहा ही नहीं है, लाइट कंफर्म में आ गई। देखिए आपको दिखा देता हूँ ये लाइट, और आप लोग बोलेंगे अरे मैंने क्या किया, मेरे को समझ में नहीं आया, और लाइट क्यों लग रहा नहीं। आपके पास अगर लैपटॉप है नहीं है, डायग्नोस्टिक टूल है नहीं, किट है नहीं, तो आप लोग परेशान मत होना। सीएनजी गाड़ी बेसिक्स है, तो उसमें प्लैप जो हम लोग खोलते हैं ऑयलिंग ग्रीसिंग के लिए, तो उसके अंदर बिठाया हुआ है एक स्विच बिठाया हुआ है, वो स्विच ओपन होने से आपका सीएनजी गाड़ी बंद हो जाता है, और दूसरी चीज़ उसका चेक इंजन लग जाएगा। अगर आप चालू में गाड़ी चालू ही, देखिए हमारी चालू थी गाड़ी, उसमें अगर आप लोगों ने अगर किया है तो ध्यान रखिए इतना सा चीज़ का, कि आप इसको क्या करना है, आप दो तीन बार गाड़ी स्विच अप बंद कर देंगे तो कभी कभी चला जाता है, कभी कभी रह जाता है, तो उसके लिए आप बैटरी वाई निकल के रख सकते हैं। देखिए अभी मैंने किया, ये देखिए अभी भी जा रहा नहीं है, क्योंकि मैंने एक दो बार अभी हम लोग चालू बंद करेंगे चला जाएगा, क्योंकि जो एरर कोड आते हैं वो दिखाते रहेंगे टेम्पररी में, तो आपको करना क्या है, ये देखिए अभी चला गया, मतलब दो तीन बार ऑन करने के बाद। लेकिन आपको देखिए ईएमएस में भी एमआरआई में और टेम्पररी में आ गया उसका फ्यूल प्लैप का, तो हम लोग इसको डिलीट करके लेंगे। ये डिलीट हो रहा है, सब डिलीट होने के बाद वापस देखेंगे कोई मेमोराइज रहता है क्या। देखिए हो गया हमारा, और ये देखिए चला गया, कुछ भी नहीं रह गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हमारा। अभी डायग्नोस्टिक में 00 है, एरर भी नहीं लग रहा, तो आप लोग डरिए मत, सीएनजी जो गाड़ी रहेगा उसको प्लैप खोलने से चालू में या कभी कभी सेंसर का भी प्रॉब्लम हो सकता है स्विच का, तो भी लाइट लग जाएगा, तो आप लोग इतना सा ध्यान देना। फ्रेंड्स ये नॉलेज आपको कैसा लगा तो फ्रेंड्स मेरे को बताना। आप अगर मेरे चैनल पर मेरे वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए तो मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो करो, आपका जो भी कमेंट रहेगा रिक्वायर रहेगा कमेंट करके आपका जवाब सवाल करना फ्रेंड्स वहाँ पे मेरे को बताना, मैं आपसे सीख रहा हूँ, आप लोग मेरे से सीख रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।